नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेजा है। दोनों नेताओं को यह समन नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भेजा गया है। सोनिया गांधी को ईडी के सामने 8 जून को बुलाया गया है, जबकि राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। अप्रैल में ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर पूछताछ की थी। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनिया गांधी 8 जून को एजेंसी के सामने पेश होंगी, लेकिन पार्टी जांच एजेंसी को पत्र लिखकर राहुल गांधी को कुछ राहत देने की मांग करेगी, क्योंकि वो विदेश में हैं। अगर वो आ जाते हैं तो वो तय समय पर जांच एजेंसी के सामने पेश हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ईडी से इस मामले में पेश होने के लिए वक्त मांगा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के समन पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और देश के तमाम राज्यों में डराने, धमकाने और देश का ध्यान मुद्दों से भटकाने की तकनीक अब पुरानी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न डरेगी, न झुकेगी और सीना ठोक कर ऐसी कार्रवाई का सामना करेगी। सिंघवी ने कहा कि कानून का थोड़ा सा भी जानकार ये कह सकता है कि नेशनल हेराल्ड मामले में अब कोई कानूनी केस शुरू नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा ये केस 2015 में बंद हो गया था, लेकिन सत्तारूढ़ सरकार को ये अच्छा नहीं लगा और उसने ईडी में अफसरों पर दबाव डालकर नया केस खुलवा दिया है। उन्होंने कहा कि केस बंद होने के 7 साल बाद समन दिए जा रहे हैं और GDP के आंकड़ों, बंटवारे की राजनीति और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के समन पर बीजेपी ने टिप्पणी की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आखिर कौन सा अपराधी खुद को दोषी मानता है। नड्डा ने बुधवार को भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा ये मामला भ्रष्टाचार का है और अदालत इस मामले को देख रही है और ऐसे में वो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। नड्डा ने कहा कि लेकिन जब किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट आती है तो कोई ईमानदार आदमी अदालत में इसे रद्द कराने के लिए जाता है, लेकिन जो लोग ईमानदार नहीं होते हैं वो लोग जमानत लेकर दूसरे तरह के प्रयोजन करते रहते हैं। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर CM अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सवाल पूछे, साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी, तो क्या अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बचाकर देश को गद्दार को पनाह दे रहे हैं। ईरानी ने एक के बाद एक 10 सवाल केजरीवाल से पूछे। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनियों के जरिए 16,39,00,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। हवाला ऑपरेटर की मदद से साल 2010 से 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सत्येंद्र जैन को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सवालों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि डिग्री की तरह केस भी फर्जी है। आप नेता ने कहा कि आप जिस व्यक्ति को गद्दार कह रही हैं उसने दिल्ली जैसा मॉडल दिया है। संजय सिंह ने कहा कि गद्दार बीजेपी में भरे हुए हैं। बीजेपी नेता KS ईश्वरप्पा भारत का राष्ट्रीय ध्वज बदलने की बात कर रहा है। संजय सिंह ने कहा कि इन लोगों को फर्जी कहने की आदत है, इन लोगों के सारे कागज फर्जी निकल जाते हैं। संजय सिंह ने कहा कि जो लोग राम मंदिर के निर्माण में चंदा खाते हैं उनकी बातों का क्या कहना। उन्होंने कहा कि 8 साल से ईडी सो रही थी, ठीक हिमाचल के चुनाव से पहले हिमाचल के प्रभारी सत्येंद्र जैन को क्यों उठाती है। 8 सालों में 7 बार सत्येंद्र जैन ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। ईडी को एक बार भी उनकी गिरफ्तारी की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं वैसे ही केजरीवाल जी की बड़ी रैलियां होती हैं तो झूठा केस बनाकर पुराने मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की जाती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को दिल्ली आकर वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से मुलाकात की। ये मुलाकात सर गंगाराम अस्पताल में हुई, जहां इस समय आजम खान इलाज के लिए भर्ती हैं। मुलाकात 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम मौजूद रहे। समझा जाता है कि अखिलेश यहाँ पर आजम खान को मनाने और संबंधों को फिर से ठीक करने के लिए आए थे। आजम खान शुरू से ही कहते रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके कोई मतभेद नहीं, लेकिन मीडिया अपना कयास लगाता रहा है। आजम ने अभी मंगलवार को ही एक इंटरव्यू में कहा था कि अखिलेश से उनके संबंध मतभेदों वाले नहीं हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में गवाह भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता दिलबाग सिंह पर हमला हुआ है। पुलिस के अनुसार बुधवार शाम घर लौट रहे दिलबाग सिंह पर यह हमला किया गया। पुलिस ने कहा कि सिंह ने उन्हें बताया कि हमलावरों ने मंगलवार की देर रात उनके वाहन पर 3 बार गोलियां चलाईं और भाग गए। हालांकि इस हमले में वो सुरक्षित बच गए हैं। सिंह की शिकायत पर लखीमपुर खीरी के गोला थाने में हत्या के प्रयास के आरोप में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिंह ने कहा कि वो रात करीब 8:30 बजे अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने उनकी कार पर फायरिंग की जिससे एक टायर फट गया।
कुछ दूर चलने के बाद कार रुकी। हमलावरों ने कार के पास आकर गेट खोलने का प्रयास किया। जब वो विफल हो गए तो उन्होंने कार पर 2 गोलियां चलाई और भाग गए। पुलिस अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। कुमार ने कहा कि उन्होंने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि सिंह को सुरक्षा के लिए मुहैया कराया गया पुलिस गनर घटना के समय उनके साथ मौजूद नहीं था। वहीं पुलिस गनर के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा वो किसी काम से गया था और 15 मिनट बाद वापस लौटा। बता दें, 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। अक्सर विवादों के कारण चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि आरएसएस का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुसार तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है और हम उसे सम्मान देते हैं जो उसे देना चाहिए। के एस ईश्वरप्पा ने आगे कहा कि भगवा के लिए सम्मान आज या कल से नहीं शुरू हुआ, हजारों साल से इसका सम्मान किया जाता रहा है। भगवा झंडा त्याग की निशानी है, जिसके बाद लोगों ने ईश्वरप्पा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए केस दर्ज करने की मांग की। यूक्रेन पर रूस लगातार पकड़ मजबूत बनाता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को एडवांस्ड रॉकेट देगा ताकि वो मॉस्को को युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर कर सके। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को और अधिक उन्नत रॉकेट सिस्टम और युद्ध सामग्री देगा ताकि वो युद्ध के मैदान में अधिक सटीक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला कर सके। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को एक महत्वपूर्ण मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजने के लिए तेजी से आगे बढ़े हैं। वहीं इस कयास पर कि इस तरह के हथियार रूस के साथ सीधे संघर्ष में अमेरिका को ले आएंगे, रॉयटर्स के अनुसार इस पर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन ने आश्वासन दिया है कि मिसाइलों का उपयोग रूस के अंदर हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। जापान की चू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इंक भारत की रूरल रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी ओएमसी पावर प्राइवेट लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5 बिलियन येन यानी कि $39 मिलियन तक खर्च करने जा रही है। जापानी कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बता दें, ओएमसी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में मिनी ग्रिड के माध्यम से टेलीकॉम कंपनियों, छोटे और मध्यम व्यवसायों, ग्रामीण घरों के लिए बिजली प्रदान करने के लिए लगभग 280 रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को ऑपरेट करता है। वहीं जापानी कंपनी ने कहा कि उसका लक्ष्य 2030 तक अपने नेटवर्क को 5,000 पावर प्लांट्स तक विस्तारित करना है। ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार ने शपथ ले ली है। लेबर पार्टी की नई सरकार में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने अपने मंत्रिमंडल में कुल 30 मंत्रियों में से 13 महिलाओं को मंत्री बनाया है। एल्बनीज ने पहली महिला मुस्लिम को भी मंत्री बनाया है। एने अली ऑस्ट्रेलिया की पहली मुस्लिम महिला मंत्री हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल में एक और मुस्लिम मंत्री को जगह दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।